बिल गेट्स अंकल ने कल कहा है कि लाइफ को नॉर्मलाइज होने में क्लोज टू भी 2 साल लगे. मैन, 2 साल इज ए लॉन्ग टाइम. आई वॉज एक्चुअली सेविंग फॉर माई ट्रैवल फॉर 2021 की. जैसे ही अपना 2021 में वैक्सीन आ जाए तो हम एक लंबा वाला ट्रैवल के लिए निकल जाएंगे. बट अगर नॉर्मलाइज होने में एटलीस्ट मतलब 2 साल लग जाएंगे, मतलब इंडिया को वैक्सीन आते आते क्लोज टू भी 6-7 महीना, फिर सब कुछ मतलब सबको वैक्सीन मिलते मिलते और क्लोज टू एक तो मतलब एटलीस्ट 1 ईयर. सो इतना टाइम तो भाई वेट नहीं कर सकते. आई जस्ट वेंट एट एंड स्पेंड All of my savings. अभी मेरा जैसा projection है, मेरे को लगता है travel शुरू नहीं होने वाला 2021, मतलब वही October, November और फिर late भी हो सकता है, क्योंकि सब मे बी हर एयरलाइन से वेट करेंगे कि कोविड का वैक्सीन का वो एक नॉर्म बना देंगे. कोई भी अगर ट्रैवल करता है उसको वो वाला रहना चाहिए कि येस आई हैव टेकन ए कोविड वैक्सीन. एंड हर मतलब हर वर्ल्ड में सब किसी को कोविड वैक्सीन मिलना अभी लंबा एक प्रोसेस लगे. उतना ज़्यादा प्रोडक्शन, उतना ज़्यादा सप्लाई, उतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत एक लंबा प्रोसेस है. तो सबको मिलते मिलते टाइम लगेगा. एंड जब सबको मिल जाएगा उसके बाद मे भी धीरे धीरे सबको ही कंट्रीज जो है वो उसके बाद एक अपना गेट्स खोलेंगे सबके लिए. क्योंकि अभी के लिए तो इंडिया के लिए सबको ही बैंड है, मतलब इंडियंस को कोई अलाउ नहीं कर रहा था. हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते एक्सेप्ट यूके. यूके में भी सेकेंड वेव चला तो यूके भी जा नहीं सकते. यूएस में भी ऑलमोस्ट बैंड है, आप झूठ इधर उधर बोल के जा सकते हो. सो बेसिकली ट्रैवल इज काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फॉर एटलीस्ट लाइक 1 ईयर राइट ना. सो अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते. उसलिए मैंने अभी क्या किया है, अभी अपना जो सेविंग्स अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट में आई हैड सेव्ड ए बिट ऑफ मनी फॉर माई ट्रैवल की. जैसे कि ट्रैवल में आपको सोचना नहीं पड़े, सीधा हम निकलेंगे लंबा वाला रोड ट्रिप करके आएंगे. सो अभी के लिए सिंस द ट्रैवल इज पॉज्ड फॉर एटलीस्ट लाइक 1 ईयर, सो आई जस्ट वेंट अहेड एंड ऑर्डर्ड माई कैमरा, न्यू कैमरा, एंड ऑर्डर्ड माई वॉचेस एज वेल. वॉचेस वाला व्लॉग बाद में आएगा. सो वॉचेस हैज बीन ऑर्डर्ड, कैमरा हैज बीन ऑर्डर्ड. सो बेसिकली माई सेविंग्स बैंक इज नील राइट नाउ. एंड मेरा जो वॉच वाला कलेक्शन है वो वाला तो अलग से एक वीडियो आएगा. सो बेसिकली आई एम मेकिंग ए वॉच कलेक्शन, स्मॉल वाला, इतना ही बड़ा वाला नहीं, स्मॉल वाला वॉच कलेक्शन, जो जिसमें रहेगा कि अपना नॉर्मल वेयर के लिए कुछ रहेगा, स्मार्ट वॉचेस कुछ रहेगा, एंड कुछ एक प्रीमियम लग्जरी वॉचेस भी रहेगा, विच वी कैन यूज फॉर लाइक एवरीडे वेयर, लाइक ऑफिस, इवेंट्स, वेडिंग्स, ऑल दो स्टफ. एंड अपना जो सब मतलब रेगुलर वॉचेस रहेगा, लाइक दिस इज वन ऑफ इट. ये वाला एक बहुत ही अच्छा वॉच है. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल, जस्ट मे बी 2000 रुपीज. यू कैन सी दैट हाउ कूल इट लुक्स. पूरा ब्लैक है, इट कैन लुक लाइक गुड ऑन एनी वन्स रिस्ट. सो ये वाला जो ब्लैक वाला है, ये मैं बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मिला था. ऐसे वाला नॉर्मल वॉचेस का मेरा एक कलेक्शन है, अगर बोलोगे तो मैं वो वाला एक ब्लॉग बना दूंगा. सो ये वाला एक बहुत अच्छा है. इसका अगर आपको लिंक चाहिए, मैं आपको नीचे में लिंक देता हूँ, जस्ट गो एंड बाय इट, एंड इट एक्चुअली लुक्स ग्रेट ऑन एनी साइज ऑफ रिस्ट. एंड अपना ये हेलमेट इज फाइनली सोल्ड. ये बहुत काम करके मैंने लाया था. यू कैन सी दैट हाउ कूल इट लुक्स. एंड ये जो वाइजर है ये भी टोटल ऑटोमेटिक वाला है. ऑटोमेटिक यहाँ से स्विच दबाने से यहाँ ब्लैक, यहाँ पर स्विच दबाने से यहाँ व्हाइट, सब कुछ हो जाता है. यहाँ एक चार्जिंग पॉइंट भी, यू कैन सी दैट. डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, ये वाला जगह में देखो चेंज हो रहा है. सो बेसिकली दिस हेलमेट इज सोल्ड. अभी ओनली शोई को भेजना है. शोई एक बार सेल हो जाएगा तो अपना हेलमेट कलेक्शन टोटल क्लियर. उसके बाद और एक बार फिर से पूरा नया वाला कलेक्शन बनाएंगे. अभी कौन सा हेलमेट बाद में लेंगे बताओ. AGV का मैंने कुछ तो देखा है, एक पिस्टा GPRR एक देखा है, उसके शोई का एक नया वाला ही मैंने देखा है. अगर होता है तो वो दोनों को एक बार ऑर्डर करेंगे. एंड जो भी ये सब हेलमेट यूज करते हैं उनका मेन कंसर्न रहता है कि ये वाला पिन लॉक कैसा इंस्टॉल करना है. पिन लॉक वाला जो इंस्टॉलेशन है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मतलब इजी दिखता है बाकी इंस्टॉल करने के टाइम फटता है. तो अगर होता है तो मैं कल ये वाला व्लॉग आपको बना के दिखा दूंगा पिन लॉक, हाउ टू इंस्टॉल दिस पिन लॉक. ये बहुत ही अच्छा आइटम है, हाईली रिकमेंडेड. अगर आप हेलमेट खरीदते हो कोई भी अच्छा वाला प्रीमियम या फिर मतलब पूरा मतलब अच्छा वाला हेलमेट खरीदते हो, उसमें पिन लॉक वाइजर आता ही होगा. एंड पिन लॉक वाइजर आया मतलब यू हैव टू मेक श्योर द पिन लॉक वाइजर इज गेटिंग इंस्टॉल्ड इन द हेलमेट. आपका होता है ना जब हेलमेट मतलब फॉग हो जाता है कभी कभी, मतलब क्या बहुत सारा रीजन्स होता है. आप कभी ब्रीदिंग कर रहे हो, बाहर में फॉग है एंड हेलमेट के अंदर फॉग हो गया, रेनी सीजन में फॉग है. अगर ये वाला इंस्टॉल करोगे कुछ भी नहीं होगा, आपको ये वाला खोलना भी नहीं पड़ेगा. पिन लॉक वाइजर हाईली रिकमेंडेड. ये वाला पिन लॉक वाइजर हेलमेट में कैसे इंस्टॉल करते हैं अगर होता है तो मैं कल सुबह ये वाला ब्लॉग बना के डाल दूंगा. बट एनीवेज एक तो गुड न्यूज़ ये है कि USA में वैक्सीनस गॉट स्टार्टेड है. अभी कौन कौन USA में है बताओ, वैक्सीन आपको मिला कि नहीं, कब आपको वैक्सीन मिलेगा, एंड वैक्सीन लेने के बाद कैसे क्या साइड इफेक्ट है या फिर क्या कैसे काम कर रहा है, वही सब सुन के उसके बाद अगर होता है तो एक बार हम USA फ्लाई करके जाके वैक्सीन ले. मुझे नहीं लगता वो लोग वैक्सीन हमें देंगे. मोस्ट ऑफली दे आर ओनली गोइंग टू गेट द वैक्सीन स्टॉक फॉर देयर सिटीजन, मतलब US सिटीजन को ही मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलेगा. वरना तो इंडिया से सबको ही चले जाएंगे, एक एक टिकट काट के US चले जाएंगे, ओनली जाके बोलेंगे हमें वैक्सीन लेना है, हम आए गए हैं. तो वैक्सीन मुझे नहीं लगता हम लोग जाएंगे तो मिलेगा. मोस्ट ऑफली इट्स गोइंग टू गेट डिलीवर्ड टू ऑल दोज US सिटीजन फर्स्ट. तो अगर कोई US से है बताओ आपका वैक्सीन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक. सो बेसिकली द आइडिया इज आई एम मूविंग टू द न्यू सोनी A7S2 with my 16-35 GM lens, and my wife is moving to the A7 R3 with the BT 25. So basically my wife is stepping to YouTube for full time. Abhi wo almost
हर दिन तो डालती नहीं है, क्लोज टू वही दो तीन दिन में एक बार वो वीडियो डालती है। सो बेसिकली शी सीरियस अबाउट यूट्यूब राइट नाउ। सो वो अब जैसे कि मतलब यूट्यूब कर रही है, शी इज एडिटिंग द वीडियो, शूटिंग द वीडियोज हरसेल्फ, शी लर्न द आर्ट। सो व्हाट आई एम बेसिकली गेटिंग डन फॉर हर इज सेटिंग अप ए प्रॉपर ब्लॉगिंग गियर फॉर हर, सो दैट एटलीस्ट शी विल नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यूज लाइक शूटिंग एडिटिंग। क्योंकि एक तो है कि वीडियो अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर रहना चाहिए, उसके बाद जब वीडियो डालने में अच्छा लगता है। जब तक वीडियो मतलब अच्छा दिखता नहीं है, लाइट्स इधर उधर रहता है, थोड़ा आवाज वावाज ठीक से नहीं आता, माइक ठीक नहीं रहता, मजा नहीं आता वीडियो बना के डालने के लिए। सो बेसिकली दैट इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग हर श्योर कि क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वालिटी पूरा परफेक्ट रहना चाहिए, उसके बाद जाके वीडियोस बनाए। सो मेरा जो A7R3 का सेटअप था विद द BTS 25mm दैट इज बीइंग गिवन टू माय वाइफ, सो शी विल बी डूइंग द व्लॉगिंग हर कंप्लीट फुल टाइम ऑन द A7R3 एंड आई हैव बीन मूविंग राइट नाउ टू माय न्यू A7S3। आज वाला जो पूरा व्लॉग है दिस हैज बीन शॉट ऑन द A7S3 ओनली। एंड भाई लोग एक हेल्प चाहिए, अगर कोई भी एडिडास स्टोर ओन करता है या फिर किसी का भी रिलेटिव एडिडास स्टोर उनका है, मेरे को एक आइटम चाहिए जो कि अभी तक इंडिया में नहीं मिल रहा, क्योंकि जब वो मिला था तब वो ऑलमोस्ट मतलब सोल्ड आउट हो गया, मतलब वही आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो मेरे को वो वाला आइटम चाहिए, मेरा वाला साइज का मिल नहीं रहा है। तो अगर हो सकता है तो कोई अगर एडिडास से हो या फिर एडिडास का मतलब कंपनी का रीसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, कुछ भी हो, जरा नीचे में बताओ तो फिर आई कैन जस्ट गिव यू माई मतलब वो जो आइटम आईडी विद द मॉडल नंबर। तो अगर कोई मेरे को वो वाला आइटम दिला सकता है, आई विल बी highly grateful and thankful to you. चलो तो फिर आज के लिए इतना ही था, I will see you guys tomorrow with a new vlog. अभी कल कौन सा vlog बनाएंगे जल्दी जल्दी comments में बताओ। Bye bye.